हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करूँ सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे और हैप्पी, टेंशन फ्री होंगे। जैसा कि हर एक नए नए टॉपिक साथ में आता रहता हूँ, आज एक टॉपिक लेकर आया हूँ। आज हम बात करेंगे फ्लैग टेल फिश के बारे में, यानी झंडे के जो दुम होती है उसके बारे में, यानी फ्लैग टेल फिश के बारे में, उसके बारे में आज कंप्लीट बात करेंगे। फ्लैग टेल फिश जो है लुक लाइक सेम टिनफिन बाम की तरह होती है, लेकिन उसका पीछे का जुम जो हिस्सा होता है, उसके फिन जो होता है फ्लैग टेल की तरह होता है। फ्लैग एक अलग किस्म का फ्लैग होता है, जिसकी वजह से इसको फ्लैग टेल कहते हैं। सिल्वर बॉडी होती है, ब्लैक स्पॉट होते हैं, ब्लैक स्पॉट के ऊपर जो है ऑरेंज कलर के स्ट्रिप्स होते हैं जो लुक लाइक फ्लैग की तरह होते हैं, और ज़्यादातौर पर वेस्टर्न अमेजोन से बिलोंग करती है, सेंट्रल अमेरिका, अफ्रीका, इस तरह के दरियाओं से बिलोंग करती है। और ये फ्रेश वाटर फिश है, एक ज़्यादातौर पर बॉटम में रहना पसंद करती है फिशेस, और इनको ये फिशेज जो है 14 इंच तक बड़ी हो जाती है, और इनका टेम्परेचर जो है 72 से 79, यानी 72 to 79 फ़ारेनहाइट है, और सेल्सियस की बात करें तो 22 से 26 तक इनकी टेम्परेचर है। और ये फिशेज जो है अंडों को देती हैं, डायरेक्ट बेबी नहीं देती, अंडों को देती है। और ये फिशेज अगर बड़ी होती है तो ज़रूरी है कि आप इनको बड़ी टैंक में रखें। जैसा कि मैंने कहा कि फिशेज जो है 14 इंच तक बड़ी हो जाती है, यानी अबो 1 फीट से भी ज़्यादा बड़ी होती है, इसलिए ज़रूरी है कि आप इनको एटलीस्ट 3 फीट की टैंक में रखें। और एक चीज़ का ध्यान रखें, फिशेज जो है टैंक के हर हिस्से में स्विम करती है, टैंक का एक्वेरियम के हर हिस्से में जो है फिशेज स्विम करती रहती है, बॉटम में भी, मिडल में भी, अपर हिस्से में भी। तो इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ा स्विम करने के लिए जगह बाकी रहे, ऐसा ना हो कि आप ओवर क्राउड कर दें या डेकोरेशन से भर दें टैंक, बाद में इसको स्विम करने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो फिशेज जम करने की कोशिश करेगी। और इस चीज़ का ध्यान रखें कि शार्प जो है डेकोरेशन का इस्तेमाल मत करें, क्योंकि ये अपने आप को हर्ट कर सकती है, क्योंकि फास्ट स्विमर के साथ साथ ये हर जगह स्विम करती रहती है, जब ये अपने आप को हर्ट कर सकती है अगर कोई शार्प सबस्ट्रेट या शार्प डेकोरेशन हो तो। और ग्रेवल में आप नॉर्मल सैंड इस्तेमाल कर सकते हैं, या ड्रिफ्ट वुड, इस तरह के हाइडिंग प्लेस बनाकर भी आप रख सकते हैं। इनके लिए पीएच लेवल जो है 5.0 से 5.5 है, और हार्डनेस जो है पानी का 1 to 20 हार्डनेस है। ये फिशेस जो है अग्रेसिव होती है ओन काइंड फिशेस, यानी अगर सेम टाइप की फ्लैग टेल आप दो फिशेस डाल देंगे तो आपस में लड़ाई करेंगे, यहाँ तक मरना जाए। जैसा कि बेटा फिश आपस में लड़ाई करती हैं, उसी तरह ये भी आपस में लड़ाई करती है, इसलिए बेहतर है कि आप सिंगल रखें। अगर आप ग्रुप में रखना चाहते हैं तो फीमेल की तादाद जो है ज़्यादा रखें तो बेहतर रहेगा, यानी 2 मेल 4 फीमेल इस तरह रखेंगे तो ये लड़ाई कम करेंगे। अगर 1 मेल + 1 1 मेल साथ में रखेंगे, या 1 मेल 2 फीमेल रखें, तभी ये बेहतर रहेगा। अगर आप ग्रुप में रखना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप इनको 6 से ज़्यादा रखें, क्योंकि ये क्या 2 में रखेंगे तो आपस में लड़ाई करती हैं, अगर ग्रुप में रखेंगे तो ये खुशी से और पीसफुली रह जाते हैं। बेहतर है कि अगर आप कम्युनिटी टैंक में रखना चाहते हैं तो सिंगल रखें, बेहतर रहेगा। और मीडियम सेंस की फ़िशेस के साथ रखे, बड़े फ़िशेस के साथ, जैसा कि नाइफ फिश है, आरोवाना है, स्टिंगरेस है, इस तरह के बड़ी फ़िशेस के साथ रखें, छोटी फ़िशेस के साथ मत रखें। अगर छोटे के साथ रखें, जैसा कि ऑस्कर है, पैरेट फिश है, छोटे सीजलेट्स होते हैं, उनके साथ रखेंगे तो ये उनको अटैक कर सकती है। और जैसा मैंने कहा कि फास्ट स्विमर होती हैं और फूड भी जो है बहुत जल्दी आकर पिकअप कर लेती है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें, स्लो स्विमर फिशेज़ के साथ मत रखें, क्योंकि उसके बाद फूड खाने में कॉम्पिटिशन हो जाएगा, ये फिशेज बहुत जल्दी आकर फूड खा लेंगी, जो स्लो स्विमर होती है उनको फूड नहीं बच पाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। और ये ग्रेट जंपर्स भी हैं, पानी के बाहर जम करने की कोशिश करती हैं, इसलिए बेहतर है कि आप अच्छा कैप रखें टैंक, और हमेशा बंद रखें। और आप इनको फीडिंग की बात करें तो ये फिशेज जो है स्मॉल फिशेज को भी खा लेती हैं जब ये वाइल्ड में होती हैं। तो अगर आप एक्वेरियम में रखें तो बेहतर है कि आप उसको ड्राइड फूड दे, पैलेट्स दे, फ्रोज़न फूड दे, ब्लड वार्म या ब्राइन श्रिम्प्स या फ्लेक्स, स्पेनिश फूड। और वेजिटेबल में बात करें तो गोभी पत्ता या कुकुमर, इस तरह की चीज़ें आप इनको दे सकते हैं। और ये इंडिया में बहुत कम अवेलेबल हैं, बहुत रेयर हैं, अगर अवेलेबल हैं तो भी इनका प्रेजर जो है थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि कम अवेलेबल होने की वजह से। और इनके प्रेजर जो है 200 रुपये से लेकर 1000 रुपये सिंगल फिश तक भी मिल जाती है, ये डिपेंड अपन उनकी साइज़ के ऊपर होता है कि क्या साइज़ की फ़िशेस हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखें, फ़िशेस जो है ज़्यादा खाती है और ज़्यादा भी पोटी करती है, इसलिए बेहतर है कि आप
अच्छा फिल्टर का इस्तेमाल करें, जैसा कि बायोलॉजिकल फिल्टर है, हैंग ऑन बैक फिल्टर है, कैनिस्टल फिल्टर है, इस तरह के फिल्टर इस्तेमाल करें तो बहुत बेहतर रहेगा। या हो सके तो आप पावर हेड फिल्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हफ्ते में एक बार 30% वाटर चेंज करते रहे, इससे पानी जो है क्लीन रहेगा, फिशेज़ भी हेल्थी रहेंगी। और जैसा मैंने कहा कि ये बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए बहुत बड़ी टैंक रखें और साथ साथ ज़्यादा हाइडिंग प्लेसेस भी रखें। हाइडिंग प्लेस भी ये हाइड होना पसंद करती है, इसलिए हाइडिंग प्लेस रखें और अपने टैंक का कवर हमेशा बंद रखें, क्योंकि ये जम करती है। और इन फिशेस को पॉन्ड में मत रखें, क्योंकि पॉन्ड ओपन होता है, अगर आप पॉन्ड में रखेंगे तो फिशेस जो है आसानी से बाहर जम कर सकती है जब कोई वहाँ पर ना हो। इसलिए बेहतर है कि आप इनको टैंक के अंदर ही रखें, बड़ी टैंक के अंदर विथ कैप रखें। तो आज ये बस इतना ही था इस फिशेस के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अगर ये वीडियो पसंद आया, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए। इस तरह के बहुत सारे वीडियोस दिन ब दिन आते रहते हैं। तो चलिए इसी वीडियो के साथ चलते हैं, फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, गुड बाय।